सत श्री अकाल जी, मैं इंद्रजीत कौर, तुसी देख रहे हो सिटी होम न्यूज़। खबर पंजाब दी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नज़र पंजाब दियां वड्डियां ते ताज़ियां खबरां ते। बीबीसी ने लाइव रेडियो शो विच कॉलर नूं प्रधानमंत्री मोदी दी माता जी खिलाफ नफरत भरे शब्द बोलन दिते। ब्रिटेन विच बीबीसी एशियन नेटवर्क द्वारा चलाए गए एक लाइव रेडियो प्रोग्राम विच एक कॉलर ने पीएम मोदी अते उन्हां दी 99 साल दी मां नूं गालां कढ़ियां। शो दा एक हिस्सा सोशल मीडिया ते सांझा कीता गया, जिस ते कई लोकां ने सख्त इतराज किया। बहुत सारे लोगों ने रेडियो शो के मेज़बान के नाल नाल बीबीसी ते भी पड़ास कढ़ी। उन्हां टिप्पणी करदे इतराज जाहिर करदिया कहा कि मेज़बान अते संगठन ने इस ते इतराज क्यों नहीं किया। पेट्रोल ते जलंधर तो बाद लोकां नूं इक होर झटका, 1 अप्रैल तो पवेगी पानी ते महंगाई दी मार। लोकां ते लगातार महंगाई दा बोझ वधदा जा रहा है। कदे पेट्रोल, कदे सिलंडर अते कदे खाण पीण दीआं वस्तां दे रेट वध रहे हन। हुण चंडीगढ़ वालिआं नूं इक होर चीज़ ते महंगाई दी मार झलणी पवेगी। कैप्टन दे राज विच 14 वार वधियां बिजली दरां। आप विधायकां वल्लों विधानसभा वल पैदल मार्च। चीमा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोणां तों पहलां अपने चोण मनोरथ पत्र विच कहा सी कि अकाली भाजपा सरकार वल्लों जो निजी कंपनियां नाल समझौते किए गए हन उन्हां नूं रिव्यू करके रद्द किया जाएगा। विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि उन्हां वल्लों इस संबंधी चल रहे विधानसभा सैशन च बिल लगाए गए सन, पर स्पीकर साहब ने कहिंदे हुए रद्द कर दिता कि ताज़ा मसला नहीं है। उन्हें कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 4 साल तो सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है, पर सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। नवजोत सिद्धू ने वीडियो शेयर कर मुड़ घेरी अपनी ही सरकार, लगाए गंभीर इल्जाम। पंजाब सरकार का बजट अजे 8 मार्च को असेंबली विच पेश किया जाना बाकी है, जदों के सिद्धू वल्लों सांझी की गई वीडियो सूबे की आमदनी और खर्चे के वेरवे की झलक नज़र आ रही है। नवजोत सिद्धू ने सरकार के कामकाज से सवाल उठाउंदिआं कहा कि पंजाब सरकार का कुल मालिया 32,000 करोड़ रुपए है, जदों कि तमिलनाडु आबकारी तो आमदन 32,000 करोड़ रुपए है। उन्हें कहा कि जे तुसी शराब का कारोबार करना चाहते हो तो इस तो होने वाली आमदनी नू सिक्ख्या अते सेहत दे खेतर विच खर्च करना चाहिदा है। ये पैसा निजी हत्थां विच नहीं जाना चाहिदा। उन्हें अगे कहा कि पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 500 करोड़ के घाटे से चल रही है, जदों कि बादल परिवार ने 2 कंपनियों तो 8 कंपनियां खोल लिया हैं। उन्होंने सूबे विच माइनिंग तो होने वाली आमदनी का भी जिक्र किया है अते रेत अते माइनिंग माफिया ते भी सवाल खड़े किए। कड़ाके दी ठंड च डटण मगरों अत दी गर्मी लई किसानां दी तैयारी। किसान परिवारां दा कहना है कि फ्रिज, कूलर अते पखे लाए जा चुके हन अते कुछ लाउण दी तैयारी च हन। सिंगू बॉर्डर ते पंजाब दे गुरदासपुर तो आए रमन नां दे किसान ने अपने परिवार नाल उत्थे रुकण दी तैयारी कर लई है। उत्थे ही एक कमरे नूं बनाउणा शुरू कर दिता है। किसान दा कहना है कि उह गर्मियां नूं देखदे वापस नहीं जाणगे जदों तक खेती कानून रद्द नहीं हुंदे। कैप्टन सरकार ने बजट पेश करन दी मुड़ बदली तारीख। पंजाब सरकार ने बजट पेश करन दी तारीख अज एक बार फिर बदल दिती है। सरकार वल्लों हुण बजट 5 मार्च दी थां 8 मार्च नूं पेश कीता जावेगा। बजट सैशन 10 मार्च तक है, इसलिए बजट ते बहस लई सिर्फ 2 दिन ही बचणगे। दस दईए कि पहला भी बजट 8 मार्च नूं पेश कीता जाणा सी। विरोधी धिरां दी बेनती ते बजट 5 मार्च नूं पेश करन दा ऐलान कीता सी। हुण सरकार ने मुड़ बजट 8 मार्च नूं पेश करन दा फैसला कीता है। राफेल दी तरस ते बठिंडा दे रामपाल ने बनाया सड़क ते चलण वाला जहाज। हुण तुहानू इक अजिहा जहाज नजर आवेगा जो हवा विच नहीं सगो सड़कां ते दौड़दा नजर आएगा। हवाई सेना दे राफेल लड़ाकू जहाज नू वेखदिआं बठिंडा दे रामपाल बैनीवाल ने इस नू बनाया है। ए अमेजिंग कम बठिंडा दे वसनीक रामपाल बैनीवाल नां दे व्यक्ति ने कीता है, जिसने अपनी मेहनत नाल लगभग 1 महीने विच ए जहाज बनाया। हवाई सेना दे राफेल लड़ाकू जहाज नू वेखदिआं ओह ए विचार विच आया कि उसे तर्ज ते एक जद्दी जहाज तैयार किया। नौजवान ने जहाज का नाम रामपाल बैनीवाल एयरलाइंस रखा है। राशन कार्ड नाल जुड़ी हर समस्या लई इन्हां नंबरां ते करो शिकायत, वेखो पूरी लिस्ट। भ्रष्टाचार नूं घटाउण अते अनाज दी वंड नूं यकीनी बनाउण लई सरकार ने शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी कीते हन, तां जो सबसिडी वाला राशन गरीबां तक पहुंच सके। केंद्र सरकार गरीब लोकां लई अनाज भंडारण विच शामिल राशन डीलरां नाल असरदार तरीके नाल नजिठण लई हर कोशिश कर रही है। जे कोई राशन कार्ड धारक अपना भोजन कोटा प्राप्त
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ, ਜਾਣੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 379 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਗਤਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਲਈ 23.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 379 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 23.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ 1 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।